ये जो रिश्ता है आपका और मेरा, मेरे परिवार का, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है। इंदिराजी का और आपका रिश्ता राजनीतिक नहीं था। सोनिया गांधी और आपका रिश्ता राजनीतिक रिश्ता नहीं है। हमारा रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है। केसीआर से रखना चाहते हो, नरेंद्र मोदी से रखना चाहते हो, वो सब ठीक है, मगर आप एक बात रखो, आप एक बात याद, मेरा रिश्ता आपके साथ मोहब्बत का रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है। इसलिए मैं कल अपनी बहन को लाया, इसीलिए मैंने कहा, प्रियंका से कहा कि मैं तुम्हें तेलंगाना ले जाना चाहता हूं, क्योंकि ये पारिवारिक रिश्ता है, ये सिर्फ मेरे साथ तेलंगाना का रिश्ता नहीं है, ये हमारे परिवार का तेलंगाना के साथ रिश्ता। आप ये याद रखें कि दिल्ली में मैं आपका सिपाही हूं, जो भी आप मुझसे चाहते हो, जो भी मैं सेवा आपके लिए कर सकता हूं, मैं करने के लिए तैयार हूं, हाजिर हूं। अब BRS, BJP और MIM को देखिए, आप एक चीज नोट करिए, ये तीनों के तीनों कांग्रेस पार्टी पर आक्रमण करते हैं। देश में BJP विपक्ष के नेताओं पर आक्रमण करती है, केस करती है, CBI लगाती है, ED लगाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाती है, BJP विपक्ष को डराने के लिए केस चलता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपके चीफ मिनिस्टर से कोई इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? चीफ मिनिस्टर के पीछे ED, इनकम टैक्स, CBI क्यों नहीं लगी? मैं BJP से लड़ता हूं, मेरे ऊपर 24 केस लगा रखे, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी, अगर मुझे कोई लड़ाई है RSS और BJP के साथ लड़ाई है, मगर अगर आपके चीफ मिनिस्टर सचमुच में BJP से लड़ रहे हैं तो फिर उनके ऊपर केस क्यों नहीं होंगे? उनके पीछे CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों नहीं लगाया? भाइयों और बहनों, BJP और आपके चीफ मिनिस्टर मिले हुए हैं, BRS और BJP एक साथ काम कर रहे हैं, और ये भी मत सोचिए कि MIM BJP से लड़ती है। आप एक काम कीजिए, जहां भी कांग्रेस पार्टी BJP से लड़ती है, चाहे वो आसाम हो, बाकी प्रदेश हो, आप जाके देखिए, MIM अपने कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी को डिस्टर्ब करने के लिए डालती है। कैंडिडेट कहां लगाए जाएंगे वो BJP MIM को बताती है। MIM से BJP को फायदा होता है, BJP से MIM को फायदा होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।